to my channel Amazing Arzu and this is Arzu here. So today I'm going to review one of my favorite product in makeup. As you know, if you have watched my previous video, तो आपको definitely पता होगा कि which is my favorite product in makeup. That is one and only highlighter. I think makeup is incomplete without highlighter. So I think so. According to me, highlighter is the most essential thing which completes the makeup. तो जो जिस चीज़ का मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो कोई कुछ और नहीं, वो एक हाईलाइटर ही है. एंड दिस इज मास्टर क्रोम हाईलाइटर बाय मेबलिन न्यूयॉर्क एंड इट इज बाय देयर फेस स्टूडियो रेंज. एंड ये जो मैंने परचेज किया है ये मिंत्रा से मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था. तो मुझे अभी ये कुछ ही दिन पहले रिसीव हुआ तो मैंने सोचा इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूं. तो ये इंडिया में तो काफ़ी टाइम हो गया इसे आए हुए और पहले ये बाहर यूएस में जो है लॉन्च हुआ था. फिर उसके बाद इंडिया में इसका एक ही शेड था लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद इसके एक और शेड जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है. तो बेसिकली जो पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था वो मोल्टन गोल्ड था, विच इज़ डेफिनेटली परफेक्ट मैच फॉर इंडियन स्किन टोन्स, क्योंकि इंडियन स्किन टोन्स के अकॉर्डिंग जो ये मोल्टन गोल्ड है ना जो मैंने परचेज किया वो इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से जाता है. और जो रोज़ गोल्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ फेयर स्किन टोन्स के लिए ही बेस्ट है. मीडियम टू डार्क स्किन टोन्स के लिए आप अगर लेना चाहते हो तो आप ये वाला शेड ही लेना, और फेयर स्किन टोन्स वाले अगर पिंक प्रेफर करते हैं तो रोज़ गोल्ड प्रेफर करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, मोल्टन रोज़ गोल्ड. ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मतलब पैकेजिंग की, आउटर पैकेजिंग की, फिर उसके बाद में इस प्रोडक्ट की बात करते हैं फुल डिटेल में. तो देखिए ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है. इट कम्स इन प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं. और एंड इट लुक्स वेरी स्टर्डी, सीरियसली इट लुक्स वेरी स्टर्डी. ये बहुत ही अच्छा मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा लग्जरी लुक देता है. तो इस पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेबलिन मास्टर क्रोम बाई फेस स्टूडियो एंड इट्स अ मेटालिक हाईलाइटर इल्यूमिनेटर. ठीक है, और मैं आपको कैमरे के पास ले जाकर के एकदम क्लोज से इसका दिखाती हूँ कि इसके जो फ्रंट की जो पैकेजिंग है उस पर किस तरह से क्या क्या लिखा हुआ है. और बाकी देखिए आपको ये नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मोल्टन गोल्ड, इसका शेड दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको फ्रंट में ही लिखा हुआ मिल जाएगा. ये एक इस तरह से ना एक जो है प्लास्टिक पर लिखा हुआ है, जिसे आपको अगर जब ये कंटेनर ओपन करना होगा फर्स्ट टाइम जब भी आप ये परचेज करते हो तो उस टाइम आपको ये निकालना पड़ेगा, तब आपका ये कंटेनर ओपन होगा. ठीक है, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. देखिए ये इस तरह से ओपन होगा. ठीक है, ये तो इस तरह से मैंने इसे ओपन कर लिया, ये कंटेनर ओपन हो चुका है. ठीक है, अब मैं इसको आपको बता देती हूँ कि इसके साइड में इस तरह से आपको जो है इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स और जो है ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और ये इसकी MRP कितनी है, सब कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है. तो अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. देखिए ये इस तरह से प्लास्टिक कंटेनर में है, इसको आप देखिए इस तरह से ये इजीली बंद हो जाता है और आप जब इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये आता है. ठीक है, एक जो इसमें मुझे एक इसका कॉन जो लगता है ना, मतलब मैं प्रेफर करती हूँ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, मुझे चाहे वो आई शेडो पैलेट्स हो या हाइलाइटर हो या ब्लश हो, मैं पता नहीं क्यों एक मिरर ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ. जो है जो भी ब्रांड रहता है मुझे ऐसा लगता है कि एक मिरर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक मिरर रहता ना तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करना. वरना आपको जो ये प्रोडक्ट लेकर के लगाना है उसके लिए अलग से एक मिरर लेकर के बैठना होगा और फिर आपको उसमें देख करके लगाना होता है. ठीक है, तो ये चीज़ होता है. बाकी बहुत लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता होगा, बट मैं जो पर्सनली प्रेफर करती हूँ मुझे एक मिरर चाहिए होता है. ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं. और बाकी जो है चलिए इसको चेक कर लेते हैं. तो ये मोल्टन गोल्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो आता है ना इस कलर में आता है. बेसिकली ये मोल्टन गोल्ड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये गोल्ड जो है गोल्डन कलर का हाइलाइटर होगा, बेसिकली कॉपर और गोल्ड मिक्स कलर का जो है ऐसे दिख रहा है ये. तो ये अप्लाई करने के बाद कैसा होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी.
पहले तो इसको पहले मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं फिंगर पे इसका टेक्सचर लेकर के आपको बता देती हूँ। वाओ, इट्स बटरी सॉफ्ट, सीरियसली इट्स बटरी सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। मतलब आप कुछ चीज़ों को जब आप टच करते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है, बहुत सारे हाइलाइटर्स मैंने भी यूज़ कर रखे, लेकिन जब आप उसको लेते हो ना तो वो मतलब थोड़ा सी चौकी टाइप के लगते हैं और आपको पता चलता है कि हाँ वो बहुत ड्राई है। लेकिन ये इसका जो फॉर्मूला है ना वो बहुत क्रीमी काइंड ऑफ इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको इसका जो लेयर को ऐसे अपने फिंगर पे लिया तो मुझे बहुत सॉफ्ट और क्रीमी सा फीलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से है, तो इसे इसका स्वाच मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मे बी इफ यू कैन सी, इस तरह से है इसका रिफ्लेक्शन में भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, डेफिनेटली इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, बट नॉट दैट चौकी वन। ये शिमर पार्टिकल्स हैं, ये ग्लिटर नहीं है बिल्कुल भी। आप ये सोचोगे कि बहुत ज्यादा वो ऐसे टिम 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 आपको ग्लिटर दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिमर पार्टिकल्स हैं इसमें बहुत लाइट से, मतलब अगर कोई आपके बिल्कुल फेस टू फेस एकदम सामने से आपको कोई देख रहा है ना, हाँ वो जरूर देख सकता है आपके फेस का जो ये शिमर है। बट दूर से किसी को भी आपका हाइलाइटर का शिमर नहीं दिखने वाला, सीधा सा बस उसे आपका जो है ग्लो दिखेगा, वो हाइलाइटेड पोर्शन दिखेगा, आपका फेस हाइलाइटेड दिखेगा, लेकिन शिमर्स नहीं दिखने वाले। और बेसिकली शिमर तो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मुझे ग्लिटर्स नहीं अच्छे लगते, मुझे शिमर अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे तो पर्सनली इसका टेक्सचर काफी अच्छा लग रहा है, बहुत क्रीमी, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अब लगाने के बाद फेस पे ये कैसा जाता है मुझे नहीं आइडिया। इसमें जो शिमर्स है ना वो जो है वो आपके गोल्डन जो है शिमर्स है, सिल्वर वन नहीं है, गोल्डन है, बिकॉज इसका नाम ही मोल्टन गोल्ड है। तो ये गोल्डन स्पेशली मैं ये रिकमेंड करूंगी, ये जो हाइलाइटर है ना ये मतलब आप पार्टी या फंक्शंस में बहुत अच्छे से जाएगा, बिकॉज उस टाइम आपको थोड़ा सा मतलब गोल्डन इफेक्ट चाहिए होता है। तो इसको अब लगाने के बाद मैं बता सकती हूँ कि ये आप रेगुलर यूज में यूज कर सकते हो, जब आपको सटल सा लुक चाहिए होता है तो उसके लिए है या नहीं है तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं देखिए एक इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। मेरे फेस पे इस वक्त सब कुछ लगा हुआ है सिवाय जो है हाईलाइटर के, मैंने अभी फेस पे हाईलाइटर नहीं अप्लाई किया हुआ, तो मैं इस ब्रश से लेकर के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लेकर के, ठीक है, थोड़ा सा इसका फॉल आउट भी मुझे इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कैमरे पे ही आपको दिखा देती हूँ, मैं जो है एक पर्टिकुलरली मिरर नहीं लेकर के बैठी हूँ। आई थिंक कैमरा कैन कैप्चर कि मैं ये हाइलाइटर आपको दिख रहा हो। आई थिंक बोथ साइड यू कैन सी द डिफरेंस। तो ये इस तरह से ब्रश से मैंने बहुत लाइटली अप्लाई किया है। मैं इसका अच्छे से एक बार एक कोट अप्लाई कर लेती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। ओ वाओ, आप सीरियसली इसका ग्लो इफेक्ट देख सकते हैं, कितना ग्लोई इफेक्ट है और सीरियसली कितना अमेजिंग लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और पर्सनली मुझे तो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है, बटरी है, क्रीमी है और चेहरे पे इतनी इजीली ग्लाइड हो रहा है ना, वो मुझे तो ये फेस पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने ब्रश से लगा करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब आप जो है इस तरह से आप शादी में, फंक्शन में, पार्टीज में अप्लाई करके इस तरह से जा सकते हैं। जब ब्रश से आप अप्लाई करोगे तो बहुत ही इंटेंस सा आपको जो है इफेक्ट मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अगर किसी को इंटेंस इफेक्ट चाहिए इस हाइलाइटर का तो आपको ब्रश से अप्लाई करना है। मैं आपको एक बार फिंगर से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो जब आपको सटल सा लुक चाहिए ना तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। फिंगर से लेकर के आप जब अप्लाई करोगे और उसको थोड़ा सा आप जो है ब्लेंड कर लोगे ना फिंगर से, तो ये देखिए आपको अभी भी ग्लो दिख रहा होगा इसका।
तो जो है फिंगर से भी ब्लेंड करने के बाद आपको इसका इफेक्ट दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, पार्टी या ओकेजन के लिए आप लोग को अप्लाई करना है इस हाइलाइटर को, तो आप जो है ब्रश से अप्लाई करिए इस तरह से जिस तरह से मैंने किया था। और अगर आपको सटल लुक चाहिए, डेली यूज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं कुछ छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह के लिए, तो आप इस तरह से फिंगर से अप्लाई करिए। तो ये थोड़ा सा आपको विदन ग्लो देगा, ठीक है, बहुत सटल सा लुक देगा। और इस तरह से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये तो आप जो भी होगा सबकी नज़र आप पे, आपके फेस पे ही होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है ये। तो मैं इसको अच्छी तरह से सब जगह अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मैंने हाईलाइटर अप्लाई नहीं किया हुआ था। OMG, आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, मेरा पहले फेस जैसा दिख रहा था और अब जैसा दिख रहा है आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। इधर का आपको फेस तो ज़्यादा हाइलाइटेड दिख रहा होगा, इधर का विदन ग्लो वाला दिख रहा होगा। ब्रिज ऑफ द नोज, कीप इट बोल्स, चीक बोन्स, अपना फोरहेड, यूजुअली जो ये एरियाज हम हाईलाइट करते हैं उन ही एरियाज को हम हाईलाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैं तो अपनी चिन भी हाईलाइट करती हूँ। सीरियसली मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये हाइलाइटर, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, मैं कितने बार यही लाइन बोलूंगी, हाँ सच में ये बहुत क्रीमी है। आप जब इसे यूज करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं इतना क्रीमी 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 क्यों बोल रही थी, सच में ये बहुत ज्यादा, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है इसको। और जो मतलब ये वाला जो शेड है ना इसका मॉल्टन गोल्ड, ये आपके हर स्किन टोन पे जाएगा, फेयर टू मीडियम टू डार्कर स्किन टोन्स वाले जितने भी लोग हैं सबके स्किन टोन पर ये काफ़ी अच्छे से जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पिंक शेड या रोज गोल्ड शेड आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं हाइलाइटर इस तरह के इस कलर के, तो आपका आपका स्किन टोन अगर जो है आपका स्किन टोन अगर फेयर है तो आप रोज गोल्ड के साइड जा सकते हैं, मॉल्टन रोज गोल्ड जो इसका दूसरा वेरिएंट है ना, आप उसके साइड जा सकते हैं। मैंने तो अभी वो शेड ट्राई नहीं किया है तो मुझे नहीं पता, तो लेकिन इंडियन स्किन टोन की वजह से अपनी इंडिया के जो लोग हैं वो 70-80% जिनका शेड जो होता है इंडियन स्किन टोन का आप जानते हैं, तो उस वजह से मैंने ये वाला परचेज किया था कि मैं सबके लिए आप सबके लिए ये रिव्यू शेयर कर सकूं। रोज गोल्ड का अगर मैं मॉल्टन रोज गोल्ड मंगा लेती हूँ, फेयर स्किन टोन्स के हैं उन्हीं के लिए वो रिव्यू हो पाता, मीडियम और डस्की स्किन टोन्स के सभी लोगों के लिए जो है कौन सा शेड परफेक्ट रहता ये सबको पता कैसे चलता, इस वजह से मैंने जो है ये वाला शेड लिया ताकि मैं सबके लिए ये वीडियो बना सकूं और अपना रिव्यू शेयर कर सकूं। तो ये मुझे जब पसंद आया तो ये मतलब ऐसा शेड आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो शेड है ये हर एक स्किन टोन पर जाएगा, डेफिनेटली हर एक स्किन टोन पर जाएगा। तो आप ये अगर जो है आपको स्किन टोन से कोई मतलब नहीं है, आप एक अच्छा हाइलाइटर चाहते हो और आप फेयर मीडियम और डार्क स्किन टोन के हो, कोई भी स्किन टोन के हो, आप आंख बंद करके ये ले लोगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये हर स्किन टोन पे जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, बाकी इसके बारे में ऐसा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने ये रिव्यू काफ़ी लेट शेयर किया है क्योंकि मैं मुझे अभी यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम ही कहाँ हुआ है, लेकिन इंडिया में जब लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं अब कर रही हूँ बिकॉज ये मेरा मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया है, तो ये मेरा पहला रिव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस हाइलाइटर का। तो मुझे जब मैंने यूज़ किया मतलब मैंने जब इसका इसके बारे में मतलब इसे परचेज करने का सोचा और इसका जो है रिव्यू शेयर करने का सोचा तो तब आपके सामने ये वीडियो आया। तो आई थिंक कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें जिससे कि आप मेरे अपकमिंग वीडियो से नोटिफाई होते रहें।
और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई मेरे अनदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चंस है आपके, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ये जो प्रोडक्ट है यानी ये जो हाइलाइटर है, इसके जो है परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। और मैंने तो इसे मिंत्रा से बाय किया था, बाकी ये सारे साइट्स पे अवेलेबल है। मैंने अमेजोन पे भी इसे देखा है, फ्लिपकार्ट पे भी देखा है, मिंत्रा पे भी देखा है और पर्पल पे भी देखा है। तो आप किसी भी साइट से जिस पे आपको डिस्काउंट चल रहा हो आप चेकआउट कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं, आप उस पे चेक कर लीजिएगा और वहाँ से ले लीजिएगा। बट मैंने इसे मिंत्रा से बाय किया और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में और अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिला, तो इस वजह से मेरी नज़रें काफ़ी टाइम से इस पर थी, तो जैसे ही डिस्काउंट पे आया ये और मैंने इसे ग्रैब कर लिया। तो आप भी इसी तरह कर लीजिएगा और अपने कार्ट में डाल लीजिएगा अगर इस वक्त इसके प्राइजेस पीक पे होंगे तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय।